हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिशार सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, सॉरी मेमोरी नहीं, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि इस वीडियो का एक और पार्ट आ चुका है, यानी कि इससे पहले भी एक वीडियो में आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग आज शुरू करते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोगों को पढ़ना है फ्लॉपी डिस्क से। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क भी हमारा एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये आज से लगभग 10 से 12 साल पहले ये इसका यूज किया जाता था। ये हमारा एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क होता था, यानी कि इसके अंदर मैग्नेट लगा होता था जो कि डेटा स्टोरेज का काम करता था। ठीक है, लेकिन इसमें इसके अंदर क्या परेशानी थी, इसके अंदर परेशानी ये थी कि ये बहुत ही कम साइज का डेटा स्टोर कर सकता था, यानी कि मैक्सिमम 1.22 MB डेटा ये हमारा स्टोर कर पाता था 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, उसके बाद एक और फ्लॉपी डिस्क आया जो कि 3.5 इंच का था और जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी 1.44 MB ही स्टोर करने का था, यानी कि मैक्सिमम 1.44 MB डेटा स्टोर हमारा फ्लॉपी डिस्क कर सकता था। और देखा जाए तो आज के समय में अगर इसका फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया था तो हमारा एक अपने मोबाइल से खींचा हुआ फोटो भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी के कारण ये बहुत बड़ा परेशानी होने लगा कि हम डेटा के स्टोर कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा डेटा हम लोगों के पास आने लगा था, इसके कारण बहुत परेशानी होने लगी थी। और आपको मैं बता दूं कि फ्लॉपी डिस्क सिर्फ दो साइज में आया करता था। पहला साइज जो हमारा था 5.25 इंच का और दूसरा था 3.5 इंच का। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क मैंने बताया ये मैग्नेटिक डिस्क होता है, ये प्लास्टिक से बना होता है, जैसा कि आप लोग एटीएम कार्ड देखते हैं कुछ उसी तरह का हमारा मैग्नेटिक डिस्क हुआ करता था जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते थे। ठीक है, आप फ्लॉपी डिस्क का एडवांटेज क्या था, यानी कि उसकी खासियत क्या थी, तो आप लोग इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखेंगे, अपने कॉपी में ये चार पॉइंट आप अवश्य लिखेंगे। यहाँ एडवांटेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क ऊपर हेडिंग देंगे और नीचे लिखेंगे इट वॉज लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये कम महंगा पड़ता था। इट कुड बी ईजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या थी, यानी कि उसके अंदर की कमियाँ क्या थी, द डेटा स्टोर वॉज मोर प्रॉन टू डैमेज, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर होता था उसमें सबसे बड़ा डर ये लगता था कहीं डैमेज ना हो जाए। अगर हमारा कार्ड थोड़ा सा भी टूट जाए, थोड़ा सा भी अगर उसमें क्रैक आ जाए तो हमारा डेटा स्टोर जो होता था वो लॉस कर जाता था, यानी कि सारा डेटा हमारा हट जाता था। और इट हैड लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, मैक्सिमम 1.44 MB डेटा स्टोर हम लोग कर सकते हैं। और अभी के समय में हम लोग देखें तो ना ही हम लोग एक एक गाना भी नहीं रख सकते हैं, एक फ़ोटो भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे कंप्यूटर में आया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा एक तरह का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का डिवाइस है, यानी कि इसको हम कंप्यूटर के अंदर भी लगा सकते हैं और कंप्यूटर के बाहर से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक के हमारे कंप्यूटर का सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाला ये डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर लगभग लगभग हम लोग 4 TB, यानी कि 4000 GB, 5000 GB तक का कैपेसिटी भी आ रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, हार्ड डिस्क द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। इट हैज़ ए लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोवाइड ईजी टू क्विक एक्सेस। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी, और क्विक एक्सेस यानी कि तुरंत रिप्लाई देने वाला, तुरंत डेटा को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क फिट इज इनसाइड द CPU, यानी कि ये CPU के अंदर में फिट रहता है। इट इज़ मेड ऑफ मेनी डिस्क और प्रिंटर्स, मेड ऑफ मेनी डिस्क और प्रिंटर्स, यानी कि ये बहुत मेड अप ऑफ, यानी कि बहुत सारे प्रिंटर्स और डिस्क के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। और हार्ड डिस्क हमारा कैसे काम करता है ये सब आपके आपके इस बुक में तो नहीं दिया गया कैसे काम करता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। हमारा हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर पे काम करता है। हमारे हार्ड डिस्क में यहाँ पे एक ट्रैक लगा होता है, यहाँ पे एक डंडा टाइप का लगा होता है, आप देखोगे इसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है और यहाँ पे एक चीज़ मूव करते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये डेटा जो हम लिखते हैं तो इस पे ऐसे ऐसे घूमते घूमते लिखाता है, इसको हम लोग ट्रैक और सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हार्ड डिस्क बेसिकली मेटल का बना होता है। देखिए यहाँ पे आपके बुक में भी दिया हुआ है, द पैटर्न्स आर स्टैक्ड ऑन द सिलेंड्रिकल रॉड विच ईच ऑफ विच स्टोर डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल कॉल्ड ट्रैक्स, यानी कि जो ये हमारा जो होता है
कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं, ऑन द डिस्क हेड। ये जो हमारा है, ये जो निकला हुआ मैंने बताया मैग्नेट का, ये हमारा हेड बोला जाता है। हेड के थ्रू डेटा को रीड और राइट किया जाता है, ठीक है। हेड रीड्स और राइट द इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रैक्स विद इन द हेल्प ऑफ इट्स आर्म्स, यानी कि हेड डेटा को रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किसके मदद से, ये वाला जो आर्म है इसके मदद से, ठीक है। अब हमारा नाउअडेज डिस्क आर यूज विद स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट। अभी के समय में हमारे पास जो हार्ड डिस्क आता है वो गीगाबाइट साइज में आता है। पहले थोड़ा कम आया करता था, 80 GB में, गीगाबाइट में ही आता था, लेकिन थोड़ा सा कम कैपेसिटी का आता था। पहले 32 GB का आता था, फिर उसके बाद आया हमारे पास 60 GB का हार्ड डिस्क आया, फिर 80 GB का आया, फिर 320 GB का आया, इस तरह से बहुत सारे। अभी मैक्सिमम हमारे जो भी कंप्यूटर हम लोग लेते हैं, कम से कम तो 500 GB तो ज़रूर ही रहता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत सारा डेटा हमारा स्टोर करके रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड क्विक एंड ईजी एक्सेस टू डेटा, यानी कि सबसे क्विक और सबसे आसानी से डेटा आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ हाईली रिलेबल एज इट इज़ लेस बॉन्ड टू डेटा डैमेज, यानी कि इसमें डेटा डैमेज होने की संभावना बहुत कम होती है, और हाईली रिलेबल यानी कि बहुत ज़्यादा आसान होता है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है हार्ड डिस्क का, इट कैन नॉट बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली, इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकता है। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी कि थोड़ा सा ये महंगा होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, अब इसको भी अब दूर कर दिया गया है, हमारे पास आने लगा है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिवाइस, यानी कि आप बाहर से भी हार्ड डिस्क डिवाइस लगा सकते हैं, तो वो आसानी से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास अभी ये आ चुका है, ठीक है। अब आता है कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी। ये सब आपने ज़रूर देखा होगा अपने घर में, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं, ये हमारा एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है पोर्टेबल डिवाइस का, यानी कि सबसे छोटा यूनिट है। इट इज़ अ राउंड मीडियम साइज डिस्क यूज टू स्टोर म्यूजिक, वीडियोज, टेक्स्ट एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, यानी कि डिजिटल फॉर्म के जितने भी इन्फॉर्मेशन है, म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, फोटोज हो गए, टेक्स्ट हो गए, और भी जितने तरह के इन्फॉर्मेशन है उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास एक सीडी होता है। और सीडी वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सीडी ड्राइव होनी, यानी कि सीडी को यूज करने के लिए आपके पास सीडी ड्राइव होना चाहिए। ए सीडी राइटर इज नेसेसरी फॉर राइटिंग डेटा ऑन सीडी, यानी कि सीडी में डेटा अब रखेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास एक राइटर होता है, यानी सीडी के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए एक राइटर का हेल्प लिया जाता है, उसको हम लोग सीडी राइटर बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सीडी हैज़ ए डायमीटर ऑफ 120 mm एंड स्टोर्स ऑफ 700 MB ऑफ डेटा, यानी कि स्टैंडर्ड सीडी जो हमारा, जिसका साइज हमारा जिसका डायमीटर होता है 120 mm, वो हमारा 700 MB डेटा स्टोर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 700 MB डेटा स्टोर कर पाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं, CDR, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ रीड ओनली CD, यानी कि इसको आप सिर्फ इसमें से डेटा को आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा हमारा है CDRW, इट कैन बी यूज फॉर बोथ रीड और राइट ऑपरेशन, यानी कि ये हमारा रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकता है। रीड राइट करने का मतलब आप इसमें से डेटा निकाल भी सकते हो, इसमें डेटा डाल भी सकते हो, लेकिन इसमें से सिर्फ आप डेटा निकाल सकते हो, रीड कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा आता है CD-ROM, द डेटा कैन बी रिटेन वंस एंड दिस CD बट कैन बी रीड एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि CD-ROM का क्या काम होता है, एक बार डेटा लिखने के बाद मेनी टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हो। अभी जो हमारा सबसे पॉपुलर अगर बोला जाए तो ये दो हमारा है मार्केट में सबसे पॉपुलर, लास्ट टू जो है सबसे पॉपुलर है, लेकिन सीडी का यूज़ बहुत ही रेयर केस में ही लोग करते हैं। अभी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सब का यूज ज़्यादातर तो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इसकी खासियत क्या है, इट कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकता है। इट इज़ ईजी टू यूज, यानी कि आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीडी, इट इज़ सेंसिटिव टू हीट और लाइट, यानी कि हीट और लाइट से इसको परेशानी है, सेंसिटिव है ये, हीट और लाइट से ये ख़राब भी हो सकता है, ठीक। इट इज़ प्रोन टू डेटा डैमेज, यानी कि ये इसमें डेटा डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी विच कैनॉट बी एक्सपेंडेड, यानी कि ये हमारा कुछ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया 700 MB डेटा स्टोर कर सकता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब हमारा आता है DVD, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आप अपने कॉपी में जितने भी मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने लिखा बता रहा हूँ वो सब एकदम लिखेंगे और हम चेक कराएंगे। हमारा ये तरह, ये भी हमारा एक तरह का CD के ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है।
ये बिल्कुल सीडी की तरह ही दिखता है, कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन ये हमारा सीडी से एक वर्जन आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में थोड़ा आते हुए हम लोग डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की ओर बढ़े, तो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ गया। हम सीडी में 700 MB डेटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन हम अपने डीवीडी में 4.7 GB यानी कि लगभग 5 GB डेटा स्टोर कर सकते थे, यानी कि लगभग अगर बोला जाए तो 8 गुना 9 गुना हम लगभग 8 से 9 गुना ज़्यादा सीडी के मुकाबले में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पेन ड्राइव, जो कि सबसे पॉपुलर और सबसे आसान है। ये आप लोग सभी अपने घर में देखे होंगे, मुझे लगता है सभी के पास पेन ड्राइव तो ज़रूर ही होगा, किसी न किसी के घर में ज़रूर होगा। तो ये हमारा पेन ड्राइव है, ये हमारा प्लग एंड प्ले सर्विस पे काम करता है, प्लग एंड प्ले। सबसे पहले पेन ड्राइव पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे यूएसबी क्या होता है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, आपके यहाँ पे नोट में भी दिया हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हमारा पेन ड्राइव जो है ये यूएसबी पैटर्न पे ही काम करता है, अगर हमारे कंप्यूटर में यूएसबी ना हो तो हमारा पेन ड्राइव काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने पेन ड्राइव को यूनिवर्सल सीरियल बस के पोर्ट में लगाते हैं, एक पोर्ट बना हुआ होता है जहाँ पे हम अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं यानी कि लगाते हैं, प्लग करते हैं, तो हमारा पेन ड्राइव काम करना शुरू कर जाता है, इसीलिए हम इसको प्लग एंड प्ले बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ स्मॉल पोर्टेबल मेमोरी स्टिक डैट इज़ प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट, यानी कि सबसे छोटा मेमोरी स्टिक है जिसको हम लोग कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। इट कैन बी इजिली कैरिड इन ए पैकेट, यानी कि इसको हम लोग पैकेट में लेके आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी प्लग्ड इन टू एनी कंप्यूटर थ्रू द यूएसबी पोर्ट, यानी किसी भी कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम लोग इसको लगा सकते हैं। इट हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जनरली इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट, इसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट, यानी कि GB कैपेसिटी में हमारा ये डेटा आता है, ये MB में नहीं आता है। आप लोगों के घर में भी होगा 2 GB का पेन ड्राइव, 4 GB का, 6 GB का, 8 GB का, 10 GB का, इस तरह से कुछ हमारा आता है। पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश ड्राइव, यानी कि पेन ड्राइव को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे फ्लैश ड्राइव, की ड्राइव, थंब ड्राइव और यूएसबी ड्राइव, ये कुछ अलग अलग नाम हमारे पेन ड्राइव के हैं। पेन ड्राइव विथ हाई स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB, 8 GB, 16 GB एंड इजली अवेलेबल इन द मार्केट, 4, 8 और 16 GB का पेन ड्राइव आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये हमारा सबसे पॉपुलर और सबसे ईजी मीडियम है हमारे डेटा स्टोरेज का। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इट हैज़ ए हाईली पोर्टेबल, यानी कि सबसे हाईली पोर्टेबल बोला जाए तो इसको पैकेट में लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ हाई डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारा डेटा स्टोर हमारा कर सकता है। इट इज़ लेस प्रोन टू डेटा डैमेज एज दे आर स्क्रैच रेसिस्टेंट, यानी कि इसमें डेटा डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, और हमारा स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है, यानी कि इसके अंदर अगर ऊपर की तरफ से अगर स्क्रैच भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होता है। ठीक है, अंदर सेफ्टी रहता है। ठीक है, अगला हमारा डिसएडवांटेज है, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सी डी और फ्लॉपी डिस्क, सी डी और DVD से थोड़ा सा महंगा होता है। इट इज़ इट ईजिली गेट इन्फेक्टेड बाई वायरस, यानी कि वायरस से आसानी से इफेक्टेड हो जाता है। इट हैज़ हाई चांसेस टू मिसप्लेसिंग अ पेन ड्राइव बिकॉज इट्स स्मॉल साइज, यानी कि ये खोने की भी संभावना इसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। SD कार्ड, आप लोग देखे होंगे अपने मेमोरी कार्ड अपने अपने फ़ोन में देखे होंगे, पहले के समय में मेमोरी कार्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये हमारा सिक्योर डिजिटल, इसको बोलते हैं सिक्योर डिजिटल, और इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज एक्सटेंसली इज पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि हमारे पोर्टेबल डिवाइस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक तरह का सिक्योर डिजिटल डिवाइस है, जिसको हम लोग SD कार्ड या मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सच एज मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, इन सब चीज़ों में हम लोग इसका यूज करते हैं। इट कम इन स्टैंडर्ड मिनी एंड माइक्रो साइज, ये तीन साइज में आता है, स्टैंडर्ड मिनी और माइक्रो साइज में आता है। तो आपके पास जो आपके फ़ोन में जो लगता है वो हमारा लगता है माइक्रो SD कार्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड कार्ड है SD कार्ड, ये हमारे लैपटॉप और कैमराज में लगता है, और मिनी SD कार्ड भी है, ये भी हमारे कैमरा में ही लगता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, हाईली पोर्टेबल स्मॉल साइज़, यानी कि स्मॉल साइज होता है, आसानी से पोर्टेबल कर सकते हैं, ईजी टू कैरी, यानी कि इसको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोन टू डैमेज, अगर ये हमारा टूट जाता है या इस एरिया में स्क्रैच आ जाता है तो हमारे ये ख़राब होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे चाहूँगा कि आप लोग इसको बना के आप हमके दिखाएं, और अगले क्लास में मैं आपका जो ये C और D है
इसको मैं खुद से बना के आपको भेजूंगा और आपने कॉपी में लिखेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप ए और बी, ए फुल फॉर्म, दूसरा है मैथ द फॉलोइंग, ये दोनों आप हम बना के दिखाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, थैंक यू।